हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 7th क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट से लेकर फोर्थ पार्ट तक सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हमें गिवन है स्टूडेंट्स, उनमें हमें जो नंबर्स गिवन है हमें उनको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उन्हें रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में, यानी अगर वो कट सकते हैं नंबर तो उनको काट के भी दिखाना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2:2/3। हमें इनको मल्टीप्लाई भी करना है और उसके बाद इनको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, यानी कि इनको काट कर भी दिखाना है अगर ये कट सकते हैं तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए 2/3 यहाँ पर एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज। अब देखिए ये जो है 2:2/3 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे, देखिए 3 to the 6, 6 + 2 8, 8/3। तो देखिए यहाँ पर भी 8/3 आया। अब यहां पर है 2/3 मल्टीप्लाई यहां पर है 8/3। देखिए ये 2 और ये 3, ये भी आपस में नहीं कट सकते। यहां न्यूमरेटर में 8 है, यहां न्यूमरेटर में 3 है, ये 8 और 3 भी आपस में नहीं कट सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 8 करेंगे तो यहाँ न्यूमरेटर में 16 आएगा, डिनोमिनेटर में 3 × 3 करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। अब ये आंसर हमारा यहाँ पर आ चुका है स्टूडेंट्स, लेकिन क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है, तो अगर आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके भी दिखा सकते हैं। हमने आपको ये भी करके दिखाया है। यहाँ पर देखिए 16 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 9, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 बचेगा। जैसे ही ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा हुआ, अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके दिखा सकते हैं। सबसे पहले ये जो क्वोशेंट है 1, ये यहाँ पर आएगा, उसके बाद ये जो रिमाइंडर है 7, ये यहाँ पर आएगा, अपॉन में ये डिवाइजर 9 आएगा। तो आप आंसर को 16/9 बोल रहे हैं या 1:7/9 बोल रहे हैं, बात एक ही है, ये सिर्फ इस 16/9 का मिक्स्ड फ्रैक्शन है। देखिए 9 × 9, 9 + 7 16 होता है, यहाँ पर भी 16 है और अपॉन में यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यानी ये दोनों एक ही बात है। आप जैसे चाहें वैसे आंसर लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा जो फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स, वो है 1:7/9। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स 2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/9। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हमने आपको दो मेथड से करके दिखाया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में 7 है और यहाँ डिनोमिनेटर में भी 7 है, तो ये न्यूमरेटर 7 और ये डिनोमिनेटर 7 आपस में कट सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट सकते हैं, तो इस तरह को क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। हम 1/1 दोनों ही मेथड आपको यहाँ पर बताएंगे। देखिए हमें दिया हुआ है 2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/9। तो फर्स्ट मेथड ये है कि आप सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। तो 2 × 7 करेंगे तो आपको मिलेगा 14, तो न्यूमरेटर में आ गया 14, डिनोमिनेटर में यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, 7 × 9 करेंगे तो 63 आएगा। अब देखिए 14 और 63 ये दोनों ही 7 के टेबल में आते हैं, यानी कि ये दोनों ही 7 से कट सकते हैं। 7 × 14 एंड 7 × 9 = 63। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ न्यूमरेटर में है 2 और डिनोमिनेटर में है 9, तो हमें फाइनल आंसर मिल गया है 2/9। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करके दिखाएंगे आपको। तो हमें यहाँ पर गिवन है 2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/9। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कटिंग पहले ही कर देंगे। देखिए ये 7 × 7, ये 7 से कटा, ये भी 7 से कटा, 7 × 7। तो यहाँ पर अब न्यूमरेटर में 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 × 1 करेंगे तो न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ 1 है और यहाँ पर 9 है, तो 1 × 9 करेंगे तो डिनोमिनेटर में आपको 9 मिलेगा। तो यहाँ पर भी हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 2/9। तो इन दोनों ही मेथड में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से पहले मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उनको काटा, जबकि यहाँ पर पहले हमने कटिंग कर ली और उसके बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, और दोनों ही केसेस में हमारा आंसर 2/9 यानी कि सेम आंसर आया। तो जो मेथड आपको इजी लगे आप उस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है
थ्री अपॉन एट मल्टीप्लाई बाय सिक्स अपॉन फोर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें इनको मल्टीप्लाई भी करना है और लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके भी दिखाना है। अगर ये कट सकते हैं तो इनको काट कर भी दिखाना है। तो हमने यहां पर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। तो थ्री इंटू सिक्स करेंगे 18 आएगा, तो न्यूमरेटर में 18 आ गया, डिनोमिनेटर में 8 और 4 है तो 8 इंटू 4 क्या होता है 32, यहां डिनोमिनेटर में 32 आ गया। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये 18 और ये 32 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, यानी ये दोनों ही 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो देखिए 2 9 दा 18, अब 32 को भी 2 से ही काटना है, तो 2 1 दा 2, 3 में से 2 क्या 1 बचा, 1 एंड 2 12, 2 6 दा 12। अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें क्या आंसर मिल गया, 9 अपॉन 16। तो थर्ड पार्ट का हमारा फाइनल आंसर है 9 अपॉन 16। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आप दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कटिंग पहले कर ली जाती है और उसके बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। हमने वो मेथड भी आपको सिखाया हुआ है। ये क्वेश्चन हमने आपको एक ही मेथड से सोल्व करके दिखाया है, दूसरा मेथड अगर आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 9/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज यहां पर लिख लिया स्टूडेंट्स। अब देखिए ये 9 है न्यूमरेटर में और यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, 9 और 5 आपस में नहीं कट सकते। ऐसे यहां पर न्यूमरेटर में 3 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, 3 और 5 भी आपस में नहीं कट सकते हैं। तो हम यहां पर सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 इंटू 3, न्यूमरेटर में यहाँ 27 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 5 इंटू 5 25 होता है, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा आंसर तो आ चुका है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है। तो अगर आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके भी दिखा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आप 27 को 25 से डिवाइड करेंगे, 25 वन दा 25, 27 में से 25 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2। अब जैसे ही ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा हुआ, अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके दिखा सकते हैं। तो ये जो क्वोशेंट है 1, सबसे पहले तो ये क्वोशेंट 1 यहां पर आ जाएगा, ये जो रिमाइंडर है 2 ये यहां पर आएगा, अपॉन में ये डिवाइजर यानी के 25 आएगा। तो फोर्थ पार्ट का हमारा फाइनल आंसर है 1:2 अपॉन 25। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।